नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर केदारनाथ यात्रा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को अब अगले कुछ दिनों तक यात्रा के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यात्रियों के लिए मौसम का बदलता रुख परेशानियों का कारण भी बन सकता है, जिसको लेकर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से बारिश होने की स्थिति में पड़ावों पर शरण लेने की अपील की है। साथ ही यात्रा से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड में बीते दिन दो दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई थी। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। वहीं इस बीच रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और धाम आ रहे यात्रियों को पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करने के लिए कहा। इसके साथ ही प्रशासन ने यात्रियों से बारिश होने की स्थिति में पड़ावों पर शरण लेने की अपील की है। साथ ही यात्रा से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए। बता दें कि प्रशासन ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभागीय अधिकारी के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को बारिश के चलते अब अगले कुछ दिनों तक यात्रा के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यात्रियों की परेशानी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है।